दोस्तों आज हम आपको इरंड की फसल दिखाएंगे। इरंड की फसल, अब खेत जा रहे हैं, रास्ते के अंदर हैं, अभी तक 2 किलोमीटर और है खेत। खेत में जाने के बाद में गाड़ी खोलेंगे, गाड़ी खोलने के बाद में आपको गाड़ी खोल रहे हैं। पापा जी पहुंच गए हैं खेत के अंदर, क्योंकि इस खेत के अंदर पहले चने बोए गए थे, उसको काट लिया और निकाल लिया। 21 कुंटल हुए हैं 6 बीघा के अंदर, 21 कुंटल चने, देसी जयपुर वाले गणगौर चने, गणगौर वैरायटी के चने थे, इसके अंदर बीजे हुए थे। पापा जी पेटी खोल रहे हैं, डई निकाल रहे हैं, गाड़ी की डई, और गाड़ी को चक दी है, ये गाड़ी को चक दी। अब ऊंट को बाहर खींचेंगे, सांकल निकालने के बाद में ऊंट को बाहर निकाल दिया है। अब ऊंट को दूर खेजड़ी के नीचे बांध कराएंगे, उसके बाद में पिलान भी उतारेंगे। ऊंट शायद लिटेगा रेत के अंदर, मस्ती उड़ाएगा ऊंट। दोस्तों ये इरंड की फसल है, इरंड के डोडे एकदम सूख जाते हैं ना, उसको बाद में तोड़ा जाता है, क्योंकि ज़्यादा सूखने के बाद में ये इरंड है ना, ये तिड़ जाते हैं और नीचे ज़मीन पर निकल निकल कर पड़ जाते हैं। फिर उसके जब पड़ने के बाद में ज़्यादा मेहनत हो जाती है, लेकिन इसको पहले ही तोड़ लिया जाता है गुच्छों को, के बाद में थ्रेसर से निकाला जाता है, फिर बाजार में लेके जाते हैं, फिर उसके बाद में पैसे लेते हैं इसके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही किसानों के वीडियो, हमारी संस्कृति से संबंधित वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। थैंक यू।